Hello YouTube, this is your host Saransh और आप देख रहे हैं Adelaide Hype Vlogs and this video is about universities जो मैंने जैसे promise किया था universities का comparison करना $133,000 जो rupees में convert करके मैं बता देता हूँ आपको लगभग 70 लाख के करीब bachelors of computer science पूरे course university focused है humanities के subject पर law business और global तो फिलहाल हमारा venue है हमारे पीछे का garden जहाँ पर नींबू रखे हैं पीछे पेड़ पर और यहाँ पे ऑरेंजेस हैं मैंडरिन्स कहते हैं इसे। हाँ तो ये है मेरी डायरी में सारी इन्फॉर्मेशन ले रखी थी। अब मैं आपको बताता हूँ चेक करके क्या था। तो मैं कंपेयर करूँगा चार यूनिवर्सिटीज़ यूनी एडिलेड यूनी एसए साउथ ऑस्ट्रेलिया और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और टॉरेंस यूनिवर्सिटी। ये चार मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट जो है हमारी रैंकिंग। तो जिनको रैंकिंग देखनी है वो मैं बता देता हूँ। यूनी एडिलेड है उसकी रैंक है 8, जो यूनी एसए है उसकी रैंक है 17, जो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है उसकी रैंक है 22 और जो टॉरेंस यूनिवर्सिटी है उसकी रैंक है 39। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ये रैंक है। और एक चीज़ और कि जो यूनी एडिलेड है वो ग्रुप ऑफ 8 में आती है। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की, वो ग्रुप ऑफ 8 है और हाई यूनिवर्सिटी हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। इससे वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता ये ग्रुप ऑफ 8 होने से, अगर आपको रिसर्च की लाइन में जाना है तो काम आ सकती है। और इसमें UNSW यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनी एडिलेड ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी मेलबर्न यूनिवर्सिटी ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ब्रो सेकेंड पॉइंट है हमारा रहेगा लोकेशन। तो लोकेशन में क्या है कि जो यूनी एडिलेड है उसकी उसके कई कैंपसेज हैं। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, एडिलेड में ही है, एडिलेड है यूनी एडिलेड की लोकेशन, ऑब्वियसली नाम बता रहा है। यूनी एसए साउथ ऑस्ट्रेलिया उस यूनिवर्सिटी की भी लोकेशन है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, आई मीन साउथ ऑस्ट्रेलिया तो होगी यार एडिलेड में, एडिलेड में कैंपस है। एडिलेड के चारों तरफ कई कैंपसेज हैं इसके यूनी एसए के और यूनी एडिलेड के भी। एंड विद सिमिलर गोज विद फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है उसके भी जो कैंपस है वो खाली एडिलेड में ही है और चारों आसपास है। और टॉरेंस यूनिवर्सिटी है, टॉरेंस यूनिवर्सिटी के कैंपसेज हैं बहुत जगह, जो जिसमें आता है ब्रिस्बेन, एडिलेड तो आता ही है और मेलबर्न और आपका सिडनी और एक ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में भी है एक इसका कैंपस। तो टॉरेंस यूनिवर्सिटी में अब ये है कि मान लो आपको एडिलेड से कहीं और शिफ्ट होना है या फिर कहीं और से एडिलेड शिफ्ट होना, तो अब यूनिवर्सिटी भी शिफ्ट कर सकते हो, चेंज करवा सकते हो अपनी। तो अब ब्रो तुम देख रहे हो ठंडी बहुत हो रही है। तो आगे बात करेंगे फीस की। तो फीस का ये मुर्गी का पिंजरा है, सॉरी फीस की बात करता हूँ। फीस तो मैं एक ऐसे करके बताऊँगा आपको कि फीस एक कोर्स की ले लेते हैं, उस कोर्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि यार हर कोर्स की फीस ना अलग होती है। तो मैं मान लो अपना कोर्स ले लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, तो यूनी एडिलेड में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है उसकी फीस है $133,000 जो रुपीस में कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ आपको, ये है 69,59,344 लगभग 70 लाख के करीब बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पूरे कोर्स के लिए। 3 साल का कोर्स है पूरे कोर्स के लिए। अब ऐसे यूनी एसए में क्या है, यूनी एसए में पहली बात तो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस शायद स्पेशलाइजेशन है पर कोई कोर्स नहीं है पर्टिकुलर, कोर्स है पर्टिकुलर बैचलर्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलता जुलता कोर्स है इसलिए कंपैरिजन में ले लिया। आईटी की फीस है 100,800 $100,800 जो कन्वर्ट होके होती है 52,71,879 जिसको आप लगभग 53 लाख मान सकते हो पूरे कोर्स की, 3 साल का ही कोर्स है। और बात करूँ यूनी फ्लिंडर्स की, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की, उसकी फीस है हमारी सेम कोर्स के लिए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए $94,889 जो कन्वर्ट होकर होती है 49,62,000 लगभग 50 लाख के करीब सेम बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप और फिर यूनी टॉरेंस, टॉरेंस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ही नहीं है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो उसका जो बेस्ट कोर्स है बैचलर्स ऑफ बिजनेस जो सबसे फेमस कोर्स है टॉरेंस यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी फीस मैं बता देता हूँ आपको, उसकी फीस है $68,400 जो कन्वर्ट होकर होती है 35,77,346
लगभग 36 लाख रुपए, 36 लाख, ठीक है। तो अब यार आप एक चीज़ देख रहे हो कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी की रैंक कम होती है, आई मीन जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है ना, उतनी उसकी फ़ीस भी बढ़ती है। तो यहाँ पर यही सिस्टम है कि जितनी रैंकिंग ज़्यादा रहेगी यूनिवर्सिटी की, थक गए, उतनी ज़्यादा फ़ीस भी रहेगी, सॉरी जितनी कम रैंकिंग रहेगी उतनी ज़्यादा फ़ीस रहेगी। फिर मैं बात करता हूँ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स की, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से कोर्स के लिए सही रहेगी। ये मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये मैंने भी रिसर्च करी है इंटरनेट पर, तो ये मेरे खुद के कोई घर से नहीं बना रखे मैंने ये फैक्ट्स। तो जो स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छी है, तो जो एडिलेड यूनी है मेरी वाली जिसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें मेडिकल अच्छा है, जिसका नर्सिंग और डेंटल इंक्लूडेड, मेडिकल में पूरा मेडिकल अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छी है, कंप्यूटर साइंस अच्छी है, ये तीन आप कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है इसमें। बाकी कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं बट इसमें स्पेशलाइजेशन है शायद, पता नहीं, मैंने देखा था रैंक, मैंने इनका जब वो बुकलेट भी पढ़ी थी उसमें भी लिखा था कि ये कुछ आई डोंट नो 52 कंप्यूटर, मतलब मेरे कोर्स की रैंक काफ़ी अच्छी थी, याद नहीं आ रहा मुझे रैंकिंग। वहीं बात करूँ यूनिएससी की, यूनिएससी के लिए अच्छे कोर्सेज हैं आईटी का, जो है मोहसन लेक कैंपस, जो मैं आपको मोहसन लेक वाली वीडियो में दिखाया था कैंपस का, थोड़ा सा शायद बिल्डिंग थी एक, तो वहाँ पर आईटी के लिए अच्छा है, सॉरी उंगली आ गई कैमरे में, और आर्किटेक्चर भी सही है काफ़ी, तो और बाकी कोर्सेज भी अच्छे हैं, बट ये दोनों मुझे लगता है, ये पर्सनल है मेरा आर्किटेक्चर वाला कि आर्किटेक्चर अच्छा है। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी फोकस्ड है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पर, लॉ बिजनेस और ग्लोबल रिसर्च इस पर ज़्यादा फोकस्ड है। और टॉरेंस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो है, उनकी स्पेशलाइजेशन है बिजनेस में, जितने भी बिजनेस के कोर्सेज हैं ना, अब बिजनेस में भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हैं अलग अलग, जैसे टेली कम्युनिकेशन ऐसे ऐसे, तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस के लिए फेमस है टॉरेंस यूनी। तो अब बात करूँ कि इनके कैंपस सिटी से कितना दूर है, तो उस सिटी में जो यूनी एडिलेड है उसका कैंपस सिटी में ही है एक, और एक रोजवर्दी कैंपस और वेट कैंपस, दो हैं ये अलग अलग है, इनकी लोकेशन का मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बता दूँ जो सिटी में कैंप, मैं सिटी से बताता हूँ डिस्टेंस सिटी से जो, हाँ फिर यूनी एडिलेड जो है वो सिटी में ही है, नॉर्थ टेरिस पर। जो यूनी एस ए है वो सिटी वेस्ट कैंपस है, सिटी ईस्ट कैंपस भी है उसका, तो सिटी में ही है वो भी यूनी एस ए भी। और जो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है वो थोड़े एक सबर्बन एरिया में है, 12 किलोमीटर सिटी से दूर है। जो टॉरेंस यूनिवर्सिटी है वो भी सिटी में ही है, एग्जैक्टली सिटी में पता नहीं पर सिटी में है टॉरेंस यूनिवर्सिटी भी। कैंपस का साइज बताऊँ तो ये जो यूनी एडिलेड, यूनी एस ए और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, ये तीनों काफ़ी बड़ी है, मतलब कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं है बट ठीक है, तीनों का साइज नॉर्मल है, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। और जो टॉरेंस यूनिवर्सिटी है वो कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी है इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के कंपेयर में, छोटी है साइज में। तो ब्रो जो भी ये मैंने यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करा है ना, इन चार यूनिवर्सिटीज़ का, ये सब आप पर डिपेंड करता है अल्टीमेटली कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ दिमाग में रख के यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो ये सब आप पर डिपेंड करता है, आपका फाइनेंस कैसा है, पैसे, क्योंकि जितनी अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे उतना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो, अब ये मैं नहीं बता सकता कि जॉब में वो डिग्री आपसे कौन सी पूछेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपके पास तभी जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मुझे भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मैं भी आपको तभी असली ग्राउंड पे बता पाऊँगा कि क्या है इसका सिस्टम। ये गंदे गंदे कपड़े सूखते रहते हैं यहाँ पे, सॉरी। तो दैट वॉज इट गाइस, ये मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। बाकी आपको कोई भी मुझसे पूछना हो कुछ, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आई एम ओपन टू आंसर, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दो क्या जानना चाहते हो आप, एंड फॉर देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।